बस मेरे तो दो बच्चे थे, इसका मेरा बाबा सबसे बड़ा बेटा। अच्छा, बहुत अनन्य बच्ची, निश्चय बुद्धि, बड़ी सेवाधारी। वहां जाना हुआ सूरज भाई का, हम लोग गए, बहन जी ने फोन किया, माता को जानते थे, बुलाओ भाई माता को, बहन जी ने फोन किया, आ जाओ, बहुत सेवा भी है, थोड़ा सेवा में हाथ भी बटा लेना, प्लस क्लासेस भी सुन लेना। बहन जी ने कहा कि जल्दी से आ जाऊंगी, लेकिन उधर से वो माता कहती है मुझे तो बुखार है, सुबह वैसे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा, चक्कर आ रही है मुझे, सर घूम रहा है, हैडक हो रही है, सर फट रहा है मेरा, कैसे आऊं, चाहती तो थी पर नहीं आ सकती। बहन जी ने फिर भी कहा तुम्हें दवाई ले लो, कुछ खा पी के, ये इसकी तुलसी की चाय पी के, कुछ ये लेके आ जाओ, थोड़ी हिम्मत करके आ जाओ। नहीं आ सकती, और वो झूठने को भी थी बेचारी, उसको सच में बुखार था, रियली थोड़ी ही देर में उसके दो बच्चे स्कूल से आते हैं, छोटे छोटे, घर में माता के लिए बच्चे बस्ता फेंकते और रोते हैं, हमें खाने को दो, कुछ हम भूखे हैं, हम ब्रेकफास्ट करके भी नहीं गए थे, अभी तो कुछ खाने को दो, माता को बुखार है 102, क्या करेगी माता, बहुत सारी माताएं बैठी है ना यहाँ, 102 बुखार, बच्चे भूखे हैं, रो रही हैं, खाना मांग रही हैं, कौन सी माता है जो ये पड़ोसी बुखार हो जाके हैं, है कोई, क्या करेगी, क्योंकि तो बुखार है ना, हेडेक है, सर में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, कैसे बनाओगी आप, कैसे बनाओगी, उठ गई ना, ब्रेड बटर, मैगी, नूडल्स, पुलाव, खिचड़ी, पोहा, जो इजी से इजी बन सकता है बना के देने की नहीं, भले आपको पैरासिटामोल खानी पड़े, सर पे बाम लगाना पड़े, पट्टी बांधनी पड़े सर पे, पर मैदान में बच्चों को भूखा, शिव बेटा भी तो तुम्हारा ही बच्चा था। जब शिव बेटा की बात आई तो बहाने पर बहाने क्यों आ गए, एक के बाद एक के बाद एक, और जब खुद के बच्चे की बात आई तो बड़े से बड़े बुखार से कॉम्प्रोमाइज हो गया, मैं खड़ी हो गई, मैंने खाना बना दिया। तो क्या ये मैं दो बच्चों में पक्षपात नहीं कर रही, कहीं मैं स्टेप मदर तो नहीं बन रही, सोते ही मां, एक बच्चे के लिए मैंने बुखार की पीड़ा सहन कर ली और एक बच्चे के लिए सुनना भी पसंद नहीं किया। भगवान हमेशा प्रीत की रीत निभाता है, भगवान का वादा है केवल एक कदम तू मेरे लिए उठा ले बस, काश वो वादा एक कदम भगवान के लिए उठा देती, हाँ बोल देती, बिना दवाई उसका बुखार को सुप्रीम सर्जन यदि ठीक ना कर देता फिर कहना था, लेकिन हमारा हिम्मत का एक कदम उठता नहीं, इसीलिए हजार मदद की कदमों से हम वंचित रहते हैं। एक बार हिम्मत का एक कदम उठा के तो देखो, तभी तो तुम्हें उसके चमत्कार समझ में आएंगे, क्या करता है वो, कैसे कुर्बान जाता है वो, लेकिन वो एक ही कदम हमसे नहीं उठता। और वैसे भी आज मैं आपको बता दूं एक अद्भुत सत्य, आप इस पेन पेपर पे लिखवा के ले लो मेरे से, मैं आज डंके की चोट पे बताती हूं एक सत्य आपको, अगर पूरे ब्रह्मांड में तीनों लोकों में कोई मेरा है जिसे मैं मेरा कह सकती हूं स्टैंप पेपर पे लिख के, वो केवल ऊपर वाला है, बाकी सब भ्रम है, जिन्हें मैं मेरे कह रही हूं ना, मेरे, मेरा मेरा मेरा, ये भ्रम है, इनसे बड़े प्यारे प्यारे हिसाब किताब है मेरे, कोई लेने आया है और कोई, जिस दिन ये लेन देन पूरा हो जाएगा उस दिन तेरा रास्ता इधर और मेरा रास्ता इधर, सब मेरे धरे के धरे रह जाएंगे,
मेरे